अज्यूम मीन मेथड जिसको बोलते हैं, कल्पित विधि, कल्पित विधि है जिससे हम माध्य निकालना सीखेंगे, मीन निकालना सीखेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, हमारे पास पहले फॉर्मूला समझ लो, उसके बाद समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। तो फॉर्मूला कहता है हमारा x बार इक्वल टू a प्लस में समीशन ऑफ fi di अपॉन में समीशन ऑफ fi, जहां पे i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होता है, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक होता है। अब इसमें आपके दिमाग में ख्याल उठ रहा होगा कि भाई हमारे यहाँ पे जो है a की वैल्यू क्या, a क्या है, fi तो हम जानते हैं आवृत्ति होता है या फिर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, या फिर हमारा di क्या है। तो भाई हमारे पास जो है ये di, यहाँ जो आपका a की वैल्यू है, a होता है हमारा assumed mean, assumed mean मतलब हमारा जो कल्पित माध्य हमने जो माना है, ये आपको assume करना होता है जो भी आपका डाटा दिया हुआ है उनमें से किसी एक को जो आपको अच्छा लगता हो, या आपके अपने ऊपर होता है, आपकी मर्जी की बात है, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। तो ए जो है आपका assumed mean होता है, ए इज assumed mean, ए को एज्यूम मीन कहा जाता है जिसको हिंदी वाले कहते हैं कल्पित माध्य। और डी जो होता है आपका डेविएशन, डी जो बोला जाता है एज्यूम डेविएशन, तो ये एज्यूम डेविएशन होता है। तो ये जो डी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, डी का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास ए माइनस में एक्स आई हो जाता है। अभी समझेंगे सारी चीजें, बस अभी फॉर्मूले को लिखते जाइए, अपने दिमाग में एक फिगर बनाते चले जाइए। अभी क्या होता है, क्या चीज है, ये सारी चीजें समझेंगे, बताते हैं आपको, दो मिनट करो बताता हूं। हाँ अगला कर लो आप। तो डी जो है आपका डेविएशन है, एक एग्जांपल के फॉर्मूला फटाफट लिख ले, फिर एक एग्जांपल से कराता हूं। लिख लिया भाई फॉर्मूला, डी फॉर दानव। हाँ जी आ गया, एग्जांपल करा रहा हूं कोई। यहाँ पे डी आई डाल लेना, डी आई क्योंकि अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, डी आई बोल देना। मेरे पास कुछ डेटा दिया हुआ है भाई, देखो वैसे ही कोई रैंडम है, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, हिंदी वाले क्या बोलेंगे, विद्यार्थियों की संख्या fi, और इधर क्लास मार्क, जिसको हिंदी वाले बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसमें जो वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 45, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और 85 से 100 ये
हो गया भाई। अब देखो इसमें हमें एफ आई की वैल्यू है 2, 3, 7, 6, 6, 6 और एक्स आई हो जाएगा 17.5, 32.5 और 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ये है भाई एफ आई की वैल्यू हो गया हमारा 30, एफ आई की वैल्यू 30 हो गया। अब देखो अगर आपको पिछले मेथड से निकालना होता डायरेक्ट मेथड से तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे भाई एफ आई एक्स आई सीधा ले लेते, मल्टीप्लाई कर देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन अब जब डी आई लेंगे तो डी आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें इनमें से जो भी वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, इनमें से ये एक्स आई की वैल्यू जो भी दिया है, इनमें से किसी एक को ये मानना होगा, एज्यूम्ड मीन मानना होगा हमें, कल्पित जो कल्पित माध्य मानना होगा। तो मान लिया भाई हमारे पास, हमेशा कोशिश करो बीच वाले नंबर को लो, वो इसलिए ताकि बीच वाला नंबर लोगे तो जो आपका हमारा फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस में ए होता है, तो उससे नंबर जो है आपके छोटे छोटे हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला माइनस में चला जाएगा, नीचे वाला प्लस में चला जाएगा, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। लेकिन अगर मान लो ये ले लिया या ये ले लिया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, बाकी चीज़ें वही रहती है, आंसर सेम ही आना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में हो जाता है कि आंसर जो है आपका फ्लक्चुएट कर जाता है लिटल बिट, बट लगभग सेम रहेगा। तो अब देखो हम क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे, डी आई को, डी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एक्स आई माइनस में ए। उससे पहले लिख लेना कि भाई एज्यूम, लेट्स एज्यूम मीन, लेट्स एज्यूम मीन इज इक्वल टू क्या ले लें भाई, 47.5 ले लें या 62.5 लोगे, जो मर्जी ले लो, अगर किसी को 62.5 अच्छा लगता है तो वो भी ले सकता है। हिंदी वाले लिख देंगे, माना कि कल्पित माध्य है, अब भाई अगर इसकी एक की जगह 47.5 तो यानी कि एक्स आई माइनस में 47.5 कर दोगे तो भाई करते जाओ 17.5 में से 47.5 माइनस करोगे क्या बचेगा, फटाफट बताते जाए भाई, 17.5 से 47.5 माइनस करोगे तो माइनस 13, चलिए जी यहाँ आया माइनस 30 आएगा, चलो इसमें 32.5 माइनस में 47। अच्छा बेटा देखकर कोई भी बता सकता है, खुद से मेहनत करनी है, खुद की मेहनत होगी तो दूर तक जाओगे, दूसरों की मेहनत पे कहीं ना कहीं जरूर गिर जाओगे, जब तक सहारा रहेगा तभी तक चल पाओगे। हाँ जी 62.5 माइनस में 47.5, इसको जब माइनस करोगे क्या आ जाएगा 20, अच्छा सॉरी मैं ऊपर 15 आया हूँ, और यहाँ 77.5 30 आ रहा है भाई, 92.5 अगर माइनस कर दे तो 45। ये आ गया भाई, इसको ऐड कर दो, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है x बार का, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई। तो एफ आई का समीशन तो 30 आ गया, एफ आई डी आई का समीशन निकाल लो जरा, जोड़ के बताओ भाई, पहले प्लस वाला जोड़ लेते हैं, 15 और 45 60 हो जाएगा, 60 30 90, 90 में से यहाँ 45 गया, क्या बचेगा भाई 45। तो भाई हमारे पास एफ आई डी आई की वैल्यू कितना आ गया 45, और एफ आई की वैल्यू क्या है 47.5, एफ आई 30 है, ए की वैल्यू 47.5, सॉल्व करके बताओ। हाँ जी क्या हो गया, अच्छा एफ आई डी, अरे क्या करवा रहे हो भाई, यहाँ मल्टीप्लाई भी तो करना होगा, ये करना होगा भाई, इसको नहीं करेंगे, ये तो अभी अभी हमारा डी आई आया, इसको मल्टीप्लाई करो एफ आई से, एफ आई इंटू में डी आई क्या हो जाएगा भाई माइनस 60, 15 इंटू में 3 0 0, तो
जोड़ दो उसको। आंसर लाओ इसका क्या बनेगा। 47.5 + 4 = 35 कितना बन रहा है? नीचे 30 है ना हमारे पास। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? के आसपास आ रहा है। मेरा तो 61.9 आ रहा है ना। तो अप्रोक्स में करके इसको क्या लिख सकते हैं? 61.6 जी अप्रोक्स का होता है सिंबल। ये जो होता है आपका लेटा हुआ दो एस जो है अप्रोक्स होता है 61.6। हाँ जी समझ में आया? नहीं आया समझे? कोई बात नहीं, जिसको नहीं आया दोबारा समझ ले भाई। हमारे पास देखो ये डाटा की दीवार है, आपको क्लास मार्क क्लास इंटरवल दिया हुआ है, स्टूडेंट के नंबर दिए हुए, एक्सआई दिया हुआ है। एक्सआई नहीं भी दिया तो भी चलेगा। अगर मान लो ये दोनों दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सआई फाइन कर लेंगे। एक्सआई का वही फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट बाय 2। अब उसके बाद क्या करेंगे भाई, xi आ गया तो di निकालना है। di निकालने के क्या करते हैं, इनमें से किसी एक नंबर को क्या करो, एज्यूम मीन मान लो, मतलब कल्पित माध्य मान लो, जो आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है ये मान लिया, ये अच्छा लग रहा है ये मान लिया, मेरे को ये अच्छा लगा मैंने ये मान लिया a। अब a ये मान लिया तो मैंने क्या किया, di निकाल दिया। di का फॉर्मूला होता है भाई xi माइनस में 47.5। तो भाई अप्लाई कर दिया तो उसके बाद हाँ मैंने इसमें से जो है हर किसी में से 17.5 माइनस में 47.5, 32.5 माइनस में 47.5 करता चला गया तो ये वैल्यू आया, ये हमारे पास di आया है। अब हमारे पास क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, कि भाई x बार इक्वल टू a प्लस में समीशन ऑफ fi di अपॉन में fi। तो भाई di ये है, fi ये है, मल्टीप्लाई करना है कर दो भाई मल्टीप्लाई, fi इनटू में di मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको ऐड कर दो, सिमिलरली fi को भी ऐड कर दो, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो। पुट करने के बाद हमें सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सेम ही आएगा, लगभग नियर बाय आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आएगा तो लगभग आसपास रहोगे, पॉइंट का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हो सकता है यहाँ पे 61.9 है, आपका 61.7 हो सकता है, 62 हो सकता है, 62.1 हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि 62 की जगह 60 आ जाएगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लगभग बराबर रहेगा आपका। अब जो है आप लोगों को करना है सेम इससे आपको 40 एग्जांपल नंबर 3 करो, एग्जांपल नंबर 3 करना है आप लोगों को इसी मेथड से।